पर भारत भयंकर तबाही मचाने वाला है। जो चीन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉक पर षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ भारत लॉक पर S-400 एक्टिवेट करने वाला है, और लॉक पाकिस्तान की खबर खोदने का इंतजाम भारत खुद करेगा, क्योंकि इस बार जो गलती पाकिस्तान ने की है वह भारत के बर्दाश्त के बाहर हो गई। पाकिस्तान में चीन के साथ मिलकर अपनी बर्बाद CPC के लिए POK में हथियारों की तैनाती करके बड़ी गलती कर दी है। भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत होते देखा पाकिस्तान अब सैम उठा है। भारत से बराबरी करने के लिए पाकिस्तान चीन के बलबूते अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी अपडेट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 सालों में चीन ने LOC पर पाकिस्तान की सेनाओं की रक्षा क्षमताओं में बड़ा विस्तार किया है। भारत के स्वदेशी हथियारों को देखकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देकर उसका पेट भी भरा और हथियार भी दिए, जिसमें स्टील हेड वंकरों का निर्माण और अनमैंड एरियल व्हीकल और कॉम्बैट एरियल व्हीकल की सप्लाई शामिल है। पाकिस्तान इसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था जो चीन खैरात में पाकिस्तान को बांट रहा है। चीन ने पाकिस्तान को JI और HGR सीरीज के मॉडर्न रडार सिस्टम भी दिए हैं। इन सिस्टम को मीडियम और लो एल्टीट्यूड वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सेना और एयर डिफेंस दोनों को खुफिया मदद दी जा सके। इसके अलावा एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित 100 PPM माउंटेन ट्रक SH-15 की तैनाती LOC के साथ कई जगहों पर देखी गई। बता दे, पहली बार नहीं है जब चीन पाकिस्तान को हथियार भेजकर मदद कर रहा है। इससे पहले भी कई बार चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद की है। खासकर चीना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर चीन को पाकिस्तान की मदद करना ऐसा ही नहीं है। इसके पीछे चीन का सबसे बड़ा लालच CPC है, चीन द्वारा पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करना। POK में चीनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेस्ट करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं POK की सबसे बड़ी राजनीति के बारे में। प्रधानमंत्री जिस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल माई मेडिटेशन करने के लिए पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त POK में बड़ा खेल हो गया है। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान POK में रंगे हाथों पकड़े गए। POK में चीन के बड़े बड़े हथियार पहुंच चुके हैं। चीनी सेना को POK में लाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान और चीन को डर है कि PM मोदी POK कोई बड़ा प्लान बना रही है, इसलिए भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने LOC पर चीन की राडार और तोपें लगा दी है। चीन में बनी 155 mm की हॉइजर तोप को कई जगह तैनात कर दिया है। इसके अलावा चीन में बने रडार सिस्टम को भी पाकिस्तान ने LOC पर तैनात कर दिया है। शादी पाकिस्तान और चीन को डर है कि भारत लैंड एयर स्ट्राइक कर सकता है। वैसे कई एक्सपर्टों का मानना है कि POK में जो चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं वह भारत का एक जाल हो सकता है। भारत POK पर लगातार इसलिए बयान दे रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से कोई बड़ी गलती हो जाए। POK में पाकिस्तान से ज्यादा चीन का फंसना ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं POK में पाकिस्तान से ज्यादा चीन का पैसा और इज्जत फंसा है। चीन का $60 अरब POK में फंस गया है। POK में चीन के सभी प्रोजेक्ट भी अटक गए हैं। भारत जानता है कि POK में एक्शन लेने का मतलब पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ना होगा, इसलिए POK पर पाकिस्तान से ज्यादा चीन को घेरने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, POK में भारत की कूटनीति काम कर भी रही है। POK पर भारत के बयानों के बाद वहां की जनता चीनी प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रही है और चीनी नागरिकों को मार रही है। इसी हड़बड़ी में चीन ने वह कर दिया जो भारत चाहता था। चीन POK में अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए पाकिस्तान और POK के आसपास के इलाकों में अपनी सेना को उतारना चाहता है। चीन का मानना है POK में काम कर रहे चीनी वर्कों की सुरक्षा पाकिस्तान की सेना नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से चीनी बारकों ने POK में काम करने से मना कर दिया है। कई रिपोर्ट के अनुसार चीन बलूचिस्तान में अपनी सेना सबसे पहले उतार रहा है। चीन एकदम से POK में अपने सैनिक नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि POK के भारत का हिस्सा है, इसलिए यहां चीन के सैनिक पकड़े जाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा भारत को भी तुरंत एक्शन लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा समय ही लगेगा। चीन पाकिस्तान POK में बहुत बुरे फंसेंगे, आप बस थोड़े समय का इंतजार कीजिए। आपको यह वीडियो कहां तक ठीक लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।